गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले सवाल के जितने पार्ट थे फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से मूल निकालने रूट्स ऑफ द इक्वेशन सीख ली थी। अब उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास है। तीसरा सवाल पहले करते हैं, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो क्यों, एक बात आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक ही वेरिएबल में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 या वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी एक ही वेरिएबल होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फाइंड टू नंबर्स, यहां पर दो नंबर दिए हैं तो हमने एक वेरिएबल में ही मानने हैं, ऐसा ना हो एक नंबर को एक्स लिखे दूसरे को वाई लिखे चले। हूज सम इज 27। सॉल्यूशन तीसरे सवाल का, दो नंबर हमने कंसीडर करने हैं जिनका जोड़ 27 आता हो एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनका गुणनफल 182 आता हो। तो फर्स्ट नंबर अगर हम मान लें, लेट फर्स्ट नंबर, माना पहली संख्या या माना एक संख्या x हमने कंसीडर कर ली, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास, दोनों का जोड़ 27 है। अगर दो संख्याओं का जोड़ 10 है और एक संख्या हमारे पास 3 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 7। जनरली बात है 10 में से 3 घटाओ। तो इसी तरह यहां दूसरी संख्या, देन सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या होगी जो सम दिया है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या दी है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है, दोनों का गुणनफल 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, पहला नंबर x, दूसरा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, गुणनफल 182 है। इसको सिंपल करेंगे, x की मल्टीप्लाई 27 के साथ 27x, x की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर में लिखने मतलब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो सबसे पहले होगी, फिर x वाली टर्म होगी, देन कॉन्स्टेंट। आर दस में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 27x माइनस हो जाएगा, 182 एज इट इज प्लस का इक्वल टू 0। अब कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था वो यहां यूज कर रहा है। a कितना 1, c कितना 182, तो प्रोडक्ट कितना आएगा हमारे पास 1 × 182 182। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी गुणा 182 आ रही हो और उनका जोड़ करें या दोनों को घटा करें तो −27 आना चाहिए। अब 182 को फैक्टर बनाने, 2 से डिवाइड करो 91, 7 से करो 13 से करो 1। अब फैक्टर क्या होगा, 2 × 7 × 13, हमें दो नंबर चाहिए, इसको दो दो में उठाएंगे, एक नंबर ये मान लिया एक ही हो गया, 14 × 13 14 × 13 दोनों की गुणा 182 आएगी और दोनों का जोड़ 14 और 13 27 आएगा, लेकिन हमें जोड़ चाहिए माइनस का तो दोनों नंबर माइनस के यूज करेंगे, −14 and −13, माइनस का 14 और माइनस का 13 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 आ जाएगा, जोड़ करेंगे तो −14 और −13 −27 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर −27x की जगह −14x − 13x + 182 = 0। अब पहले दोनों टर्म इकट्ठे करो, उसमें से कॉमन x है, एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स बार चला गया, x की पावर एक रह गई, x बार चला गया माइनस एज इट इज 14, दूसरे में से प्लस माइनस में से कुछ कॉमन नहीं है, प्लस
13 और 182 में से 13 कॉमन है, 13 बाहर निकाल लिए, 13 बाहर चला गया, x रह गया, और 182 182 में से 13 कॉमन निकाल लिया, 182 को 13 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा। ये माइनस का पहली टर्म प्लस की रखनी है तो माइनस का कॉमन लेंगे इक्वल टू 0। अब एक्स एक्स और दूसरी टर्म माइनस की रखनी है, माइनस का कॉमन ले लिया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। पहली दोनों टर्म में से एक्स कॉमन, एक्स माइनस 14 बच गया, दूसरी दोनों में से माइनस 13 कॉमन, 13 बार एक्स बच गया, 182 में को 13 से भाग किया 14 बच गया। तो एक टर्म एक्स माइनस 14 और एक एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखो, एक्स माइनस 14 बराबर 0 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। यहां से एक्स 14 आ गया और यहां से एक्स 13 आ गया। अगर एक संख्या 14 है हमारे पास तो घटाओगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 13 मिल जाएगी, अगर एक संख्या 13 है तो 27 माइनस 13 14 मिल जाएगी, यानी दोनों संख्याएं एक 13 होगी और एक 14 होगी। इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनानी है, फिर उसका सॉल्यूशन है उसके रूट्स निकाल रहे हैं। देखिए चौथा सवाल इसी तरह, फाइंड टू कंजीक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो लगातार नंबर निकालने हैं, कंजीक्यूटिव लगातार होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर दोनों प्लस के होने चाहिए, हुज सम ऑफ हुज स्केयर इज 365। कंडीशन क्या है कि दोनों के स्केयर का अगर जोड़ करें तो 365 आ जाना चाहिए। अगर एक नंबर हम एक्स मान लेते हैं, लेट सम्बोल नंबर, जनरली इस बात है कि अगर दो कंजीक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, लगातार दो नंबर है तो एक संख्या छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो पहला इंटीजर या पहला नंबर हमने एक्स मान लिया तो दूसरी संख्या एक्स प्लस 1 हो जाएगी, देन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1। नाउ लुक एट कंडीशन, देखो शर्त क्या दी है कि सम ऑफ हुज स्केयर इज 365, अगर इनके स्केयर का सम करें तो कितना आएगा 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार स्केयर का सम, पहले का स्केयर करें, दूसरे का स्केयर करें, 365 आएगा। देखिए पहला एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर हो गया, एक्स स्केयर एक्स प्लस 1 का स्केयर, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी दो नंबर का जोड़ दिया है उसका स्केयर दिया तो कैसे करेंगे, पहले नंबर का स्केयर एक्स स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर 1 स्केयर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू 365। एक्स स्केयर एक्स स्केयर 2 एक्स स्केयर, 1 स्केयर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2 एक्स, 365 एलएचएस में लेके माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का है यहां, 365 माइनस का हो तो 2 एक्स स्केयर प्लस 2 एक्स माइनस 365, 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल टू 0। अब पूरी पॉलिनोमियल में से 2 को मना जाएगा, 2 बार निकालो, एक्स स्केयर रह गया, 2x में से 2 बार x रह गया, 364 में से 2 बार निकाल लिया, 182 रह गया इक्वल टू 0। 2 अर्थस में लेके आओगे 0 पॉइंट समथिंग 0 हो जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 182 आता हो और ऐड करें या डिफरेंस करें तो 1 आता हो। अभी पिछले समय किया था कि 182 के फैक्टर के 13 और 14, माइनस 182 गुणनफल दो संख्याओं का तभी माइनस का होता है जब दोनों में से कोई एक संख्या माइनस और नेगेटिव हो, तो दोनों में से एक नेगेटिव होगी। अभी देखते हैं नेगेटिव कौन सी होगी, देखो घटाने के बाद प्लस 1 आएगा, 1 एक्स प्लस का आएगा, तो दो संख्याओं को घटाएं और आंसर प्लस का तभी आता है जब छोटी संख्या माइनस की हो, यानी 14।
14 प्लस का लेंगे 13 माइनस का लेंगे, ये इसके फैक्टर होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस दूसरे दोनों में से, दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन है, एक में 13 है एक में 182 है तो 13 कॉमन है, फिर वही x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास, एक तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक x प्लस 14 इक्वल टू 0 आ गए। दोनों को सॉल्व करेंगे, x माइनस 13 को 0 के बराबर करोगे x की वैल्यू 13 मिल जाएगी, 13 आ जाएगी, दूसरे में से x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन पर, टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेने हमने नेगेटिव छोड़ दे रहे हैं, तो x इक्वल टू माइनस 14 ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 13, इसका आंसर x बराबर 13, यानी पहली संख्या कितनी आ गई 13, तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 प्लस 1 14, ये दोनों संख्या आ गई। एक्स के प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये सेम वही प्रोसीजर है जो तीसरे सब में किया था, 27 और 1।